जो ट्रैक्टर है सारे मतलब अपने से आए, मेरे धुआ गांव के सारे चट्टी बिरादरी, घड़ी चट्टी बिरादरी सारी जाति। एक लाख से पूरे 1 लाख, 1 लाख से जीतेगा, जीतेगा बिल्कुल। हरी सेवा चाहिए, सेवा फ्री सेवा। विजेंद्र डुमरिया, जमाइन जब्त। नमस्कार, इस वक्त मैं हरियाणा में हूं और ये जो विधानसभा है ये हल्का उचाना विधानसभा है और इधर आप देख सकते हैं काफिला जो है ये निर्दलीय का काफिला है। मैं इसको कवर करने के लिए आया हूं और ये देखने के लिए कि इस बार हल्का उचाना में क्या माहौल लग रहा है। देखिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है और इंडियन नेशनल लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन इस बीच में हल्का उचाना इस बार कौन जीतने जा रहा, क्योंकि जेजेपी से जो है दुष्यंत चौटाला मैदान में है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं। क्या हाल चाल है, तब ठीक है? क्या लग रहा है उचाना में? दिलबाग संडील, दिलबाग संडील, क्यों, मतलब क्या कारण है? ये तो काफिला उन्हीं का आ रहा है ना? बड़ी आदमी है, गांधी आदमी है, लोग बताते हैं काफिले में तो आ ही जाते हैं लोग, लेकिन वोट नहीं डालते। हमारे काम का समर्थन है सारा का, चीन का मास मांडे धुआ संडील, 110% वोट छोटे शो है। लोग बताते काफिले में आते हैं, सिर्फ बनावागे बनावागे बनावागे, काम आप छोड़ा है, काम आप छोड़ा है। क्लियर जीत है, 100% जीत है, क्लियर एकदम जीत है संडील का, संडील के जी। लोग आते हैं पूरी खाने के लिए, पैसे लेने के लिए, पीने के लिए, ऐसा अपने करके है, तेल पानी खर्चा करता कर रहे हैं, पैसे दे भी डोल रहा है, काम कर रहे हैं, गरीब आगे यू बिगड़े काम कर रहे हैं, गरीब आगे। ये गरीब आदमी का दासी है, दिलबाग संडील गरीब आदमी का दासी है। मेरा नाम इंदर सिंह, महाराज धुआ दबा के 22 ग्राम है, यदि 6 ग्रामों में गरीबों को पैसा देना, मकान बनाना और बिना देश का रिश्ता 54 रुपए रिश्ता में देना, 51,000 रुपए भाई, 54 रुपए ऐसे ही दे देते हैं, कोई भी हो अपने दिलबाग संडील 54 रुपये साथी में दे रहा है, गरीब आदमी का थोड़े भी बताओ, ठीक है, साधन नहीं है, उनके मकान बनाए का देवे है, ईद भी खाती लग रही है, गरीब का साथी है, गरीब का साथी, कंपनी में 1,000 रुपये जगह माले नहीं मिलाते, जो भी और बनने के बाद तो बहुत कुछ है, गरीब का साथी है। सारे रिक्शे किराए पे आए होंगे, क्या करे, जेल भी करता, भूख रहे हैं। सारे जो ट्रैक्टर है सारे मतलब अपने से आए, मेरे धुआ गांव के सारे, जितने गांव के ट्रैक्टर सारे हैं, मतलब धुआ गांव के सारे ट्रैक्टर हैं, ये पैसा देकर तो नहीं आए हैं, मतलब पैसा लेकर, कोई पैसा नहीं, ये सब अपने तेल का खर्चा खुद का है, अपनी इज्जत मान खतर आए है, दिलबाग संडील ने बनाने खतर आए है, बच्चा बच्चा सारा गांव का मतलब मिलकर चाहिए, जो ट्रैक्टर चला रहे गांव के हैं, जानते हैं आपको, हमारे गांव के सारे, राम जोहार करो जरा से, बताइए भाई, कौन से गांव से हैं आप? आप कौन से गांव के हैं? इसी गांव का, इसी गांव के हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा भाई जानकारी लेना भी तो जरूरी है, अच्छा अच्छा, कौन से गांव के हो, गांव बताओ, धुआ गांव के हैं, आप कौन से गांव के हैं? अच्छा, आप कौन से गांव के हैं? आप हुआ दिल से हैं कि बाई से? चट्टी बिरादरी, घड़ी चट्टी बिरादरी सारी जाति, चोर नहीं है, चोर नहीं है, अरे कांग्रेस बीजेपी सामने है, दुष्यंत चौटाला है, आंदोलन में बाकी किसानों को हमने तो किसान का बेटा लाया मैदान में जी, दिलबाग संडील ने कर दिया, हम कट्ठे होकर लाए जी, एक लाख से जीतेगा बिल्कुल, 1 लाख से जीतेगा, रुका जाएगा यार हमें,
मतलब माहौल बन गया है दिलबाग शरीफ का, पूरा झोंकी झोंक पूरा पूरा माहौल बन गया है। सो ये कितने ट्रैक्टर होंगे, गिनती से 5-6 होंगे, 10 होंगे, 110 ट्रैक्टर काम में सारे है, 110 ट्रैक्टर दादा दादा 110 ट्रैक्टर है ये, कितना ट्रैक्टर कहाँ से आ गया भाई, सब जमींदारों के हैं, हरी हरी सेवा चाहिए, फ्री सेवा मतलब एक भाग के लिए फ्री सेवा, एक नंबर का बोला कोई बराबर में नहीं है, एक क्या करे जय जय पी विजेंद्र सुंदर क्या जमान जब्त जमानत भी नहीं बचा पाओगे। और ये वीरेंद्र खोगड़िया का क्या होगा, ये शहर का मैं घर कर लेगा 5,000 फोड़ ले लेगा, 5,000 बस ये है मेन, तो ये मेन है 12 गांव 22 गांव में सर में 22 गांव है, 22 गांव का समर्थन किसके साथ है, सरकार के साथ, चार चार तो कृपाण लेने गई है, चार कृपाण लेके आएंगे अब इसको है क्या भाई, यहाँ हमारा भाई है दिल से स्पोर्ट है, इसको लोग बताते हैं खाली किराए के लोग आए हैं, किराए के नहीं है, गांव में है, जमा फरी हरी सेवा, 5 संडील मांडी धुआ चलता है या सॉरी बस बस देख रहे हैं दिलबाग संडील का जो काफिला है, ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पर देखिए, हरियाणा में क्या है सबसे ज्यादा जोर जो है वो रैलियों में दिखाई जाती है, जिसकी सबसे बड़ी रैली वही चुनाव जीत रहा है, लेकिन गांव वालों का दावा है कि 150+ जो है ये ट्रैक्टर है और पीछे गाड़ियां गिनती में भी नहीं है, अब आप सोचिए चार चार कंबाइन भी आएंगे पीछे, ये देखिए जीतेगा बिल्कुल, माहौल बन गया है मोहल्ला में, एक तरफा माहौल बन गया है, बढ़िया बंदा है, अच्छे काम करेगा, नया सोच नया युवा, और वीरेंद्र ने इतने टाइम हो चुके हैं वो कुछ किया नहीं है उन्होंने, मतलब माहौल पूरा सेट है बिल्कुल सेट, मतलब 8 तारीख से पहले ही पता चल गया कि दिलबाग, 8 तारीख से पहले नहीं तो 25 से पहले पता चल रहा है दिलबाग से, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता में खत्म है, अब यही से सब कुछ खत्म है, खत्म हो चुकी है, नामांकन पत्र जब भरा था तभी पता लग गया था कि भाई एक तरफा माहौल बनेगा, तो दिलबाग संडील का काफिला हम आए थे रैली कवर करने के लिए और लोगों से बात कर रहे थे क्या माहौल रहेगा, देखिए उचाना में इस बार जो लड़ाई है बहुत कांटे का है, तय तब हो पाएगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले काफिला से बात करने के बाद पता चल रहा है कि माहौल क्या है, जरूर आप बताना देखते रहे 24 तक न्यूज।